सो गुड मॉर्निंग गाइस, और 29 मार्च के करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, इस साल छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो आंसर होगा लेह लद्दाख में। और योग दिवस हम मनाते हैं वैसे कब, 21 जून को। अच्छा, आपको याद होगा अभी 1 से 7 मार्च को उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव भी मनाया गया। फिर है वर्ल्ड किडनी डे, हमने 12 मार्च को मनाया। थीम क्या रही थी इसकी, किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर, फ्रॉम प्रोटेक्शन टू डिक्शन एंड इक्वेटेबल एक्सेस टू केयर। फिर है किस राज्य में फगली महोत्सव मनाया गया, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो महोत्सव है बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। फिर है फोनपे ने UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन देन की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया, तो आंसर होगा ICICI बैंक के साथ। ये पहले इसने समझौता कर रखा था यस बैंक के साथ, लेकिन आपको बताया RBI ने यस बैंक की सेवाएं कुछ समय के लिए रद्द कर दी थी, तो फोनपे की जो UPI सेवा बंद हो गई थी, तो फिर इसने ICICI बैंक के साथ समझौता किया। फोनपे के CEO हैं समीर निगम और ICICI के MD CEO हैं संदीप बख्शी। फिर है विंग्स इंडिया 2020 कार्यक्रम, अभी इसका आयोजन किया गया था कहाँ पे, हैदराबाद में। और यहीं पे आपको याद होगा जो हमारे एविएशन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने गो एयर एयरलाइंस को स्वच्छता के लिए पुरस्कृत भी किया था। फिर बांग्लादेश हाईकोर्ट ने किसे बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा बनाए जाने का आदेश दिया, जय बांग्ला को। और बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, यहीं पे बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी है। बांग्लादेश की करेंसी है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद। फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया, SS देशवाल को। SS मतलब होता है सरजीत सिंह, और ये ITBP के प्रमुख हैं एक्चुअली। तो BSF के जो अभी तक प्रमुख थे, महानिदेशक थे विवेक जोहरी, उनको अभी मध्य प्रदेश का DGP बना दिया गया है। तो BSF के महानिदेशक की जगह खाली हो गई, इसीलिए ITBP के प्रमुख को जो कि SS देशवाल है, उनको इसका एडिशनल चार्जेस दिया गया। फिर है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिंग सामाजिक मानदंड सूचकांक 2020 में महिलाओं के खिलाफ पक्षपात करने के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है, पाकिस्तान। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1965 में हुई, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके अध्यक्ष हैं अकीम स्टीनर। फिर है डिजिटल साक्षरता अभियान मैं भी डिजिटल हूँ, ये शुरू किया किसने, केरल राज्य ने। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है और मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। फिर है हीरो आई लीग, अभी फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था, किसने जीता, तो ये जीता मोहन बागान फुटबॉल क्लब ने, पश्चिम बंगाल का ही है। बढ़ते आगे, फिर है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 के लिए किसको मिला, तो आंसर होगा बजरंग पुनिया को और दीपा मलिक को। बजरंग पुनिया जो कि रेसलर है आपके हरियाणा से, और हरियाणा से ही आती है आपकी दीपा मलिक भी जो कि शॉर्ट पुट प्लेयर है, और दीपा मलिक अभी इनको अध्यक्ष बनाया गया था भारतीय पैरालंपिक कमेटी का। फिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये है कहाँ पर, ये माउंट आबू राजस्थान में है, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उस पर स्थित है ये। फिर है तारेंग मेल लोक नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है, तो गोवा, गोवा का है ये। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना गया किसको, ग्रेटा थनबर्ग को, स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता है ये। और अभी आपको याद होगा इनका नाम न्यूज़ में था क्योंकि ब्रुनेई देश में जो स्नेल यानी कि घोंगे की एक प्रजाति खोजी गई जिसका नाम इन्हीं के नाम पर रखा था, सी ग्रेटा थनबर्ग। फिर है 107वां राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस इंडियन साइंस कांग्रेस जो अभी हुआ था जनवरी में, कहाँ पे हुआ था वही पूछा जा रहा है, बेंगलुरु में, और इसकी थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। और 2021 का कहाँ पे होगा, 108वां जो इसका संस्करण होगा वो कहाँ पे होगा, पुणे में होगा। फिर है प्यादा, इसका संबंध किस खेल से है, चेस, शतरंज से। प्यादा हो गया, हाथी घोड़ा ऊंट राजा वजीर, ये सब आपको शतरंज में मिलेंगे। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट ये किसकी सहायता से बना था, रशिया की सहायता से। कहाँ पर है ये, तमिलनाडु में। फिर है गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था किसने, 1917 ने, और इसके जो डायरेक्टर हैं वो है सैम मेंडेंस, और इसमें बेस्ट एक्टर रहे थे जोकिन फिनिक्स जोकर मूवी के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस रेनी जेलवेकर जूडी मूवी के लिए। और नाबार्ड की स्थापना पूछी जा रही है 12 जुलाई 1982 को, हेडक्वार्टर मुंबई में है इसका, और इसके अध्यक्ष हैं हर्ष कुमार भनवाला। नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर 2019 में हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी अवार्ड किसको दिया गया, तो आंसर होगा नंद किशोर आचार्य को, अंग्रेजी भाषा में मिला था। अच्छा, ये तो हिंदी भाषा की बात हो गई, अंग्रेजी भाषा के लिए किसको मिला था, शशि थरूर को मिला था। बढ़ते आगे,
तो चलिए कल के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, विश्व रंगमंच दिवस वर्ल्ड थिएटर डे हमने कब मनाया? 27 मार्च को मनाया, और इसकी थीम रही थी आपकी थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। फिर है अंगदान के क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा? तो फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र रहा था, सेकंड नंबर पे तेलंगाना और थर्ड नंबर पे तमिलनाडु रहा था। और ये रिपोर्ट जारी की थी नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने। अच्छा, अगर देशों के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो भारत दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर है यूएसए। फिर है आरबीआई ने रेपो रेट को घटा करके कितना कर दिया है? 4.4% कर दिया रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट 4% कर दिया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट 4.65% कर दिया और कैश रिजर्व रेशो 3% कर दिया। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। फिर एक कोविड 19 के इलाज के लिए देश के दो सबसे बड़े अस्पताल बनाने की योजना है किसकी? घोषणा की है उड़ीसा ने। इसमें 1000 बेड की क्षमता होगी इन अस्पताल में। फिर फिटनेस कार्यक्रम फिट इंडिया मूवमेंट के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो शिल्पा शेट्टी के साथ। एक्चुअली अभी आपको पता है 21 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ है भारत में, तो 21 दिन तक जो लोग घर पे बैठे हुए हैं उनके लिए 21 डेज वेट लॉस प्रोग्राम मुफ्त में उनको प्रोवाइड किया जाएगा और ये आपको मिलेगा शिल्पा शेट्टी एप्लीकेशन पे। फिर है किस बैंक ने यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्यूआर आधारित ऋण की किस्त भुगतान सुविधा शुरू की? तो आंसर होगा जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, मतलब क्यूआर कोड की हेल्प से आप लोन की किस्त भर सकते हो। और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, इसके सीईओ हैं अजय कमल और इसकी टैगलाइन है वैल्यू फॉर मनी। फिर है कोविड 19 के लिए मूल्यांकन टूल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना आपका कौन सा? गोवा। फिर है कोविड 19 से निपटने के लिए भारत ने किस को 30,000 सर्जिकल मास्क और 15,000 हेड कवर दिए? बांग्लादेश को। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी है यहीं पे ढाका में। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। करेंसी टका है। फिर एक किस बैंक ने भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप से लड़ने के लिए 2020-21 के लिए अपने वार्षिक लाभ का 0.25% प्रदान करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसके अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। मूडीज इन्वेस्टमेंट सर्विसेज ने वित्त वर्ष 2020 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? 2.5% का, बहुत कम है। फिर है किस देश में सैन्य संचार का विस्तार करने के लिए एडवांस हाई फ्रिक्वेंसी सैटेलाइट AEHF-6 लॉन्च किया? तो अमेरिका में, अमेरिका की स्पेस फोर्स ने। फिर है स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं ये और ब्रह्म कुमारी संस्थान की प्रमुख हैं ये, प्रमुख थी ये, अभी इनका निधन हो चुका है। क्या नाम है इनका? राजयोगिनी दादी जानकी। बढ़ते हैं आगे तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लाउसेन स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बक हैं। फिर है सार्क समूह में कितने सदस्य देश हैं? तो हेडक्वार्टर देखो आपको सबको पता होता है हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका काठमांडू में है। आपसे पूछा जा रहा है कितने इसके मेंबर हैं, मेंबर कंट्रीज है, तो 8 है। और 8 कौन कौन है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फिर अगला प्रश्न भी मैंने इसी से मिलता जुलता पूछा, जैसे कि बिम्स्टेक के बताओ कितने सदस्य देश हैं, तो उसका आंसर होगा 7। 7 कौन कौन? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल। इसका हेडक्वार्टर आप जानते ही हो ढाका में है और इसकी जो अध्यक्षता है वो 2018 से श्रीलंका के पास है। और अभी हमने कुछ समय पहले एक न्यूज़ में पढ़ा था कि 2020 के एंड में ये अध्यक्षता दे देगा किसको? थाईलैंड को। बिम्स्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर है डिसपुर, ये राजधानी है किस राज्य की? असम की राजधानी है डिसपुर, जिसके मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। मणिपुर के मुख्यमंत्री बताओ एन बीरेन सिंह है, गवर्नर इसके कौन है? नजमा हेपतुल्ला है। और कैपिटल भी पता होनी चाहिए, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। भारत के कैग कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल राजीव महर्षि है। सेबी का हेडक्वार्टर, सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में और इसके अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। 6 माह का कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया, दिसंबर में तो इनका रिटायर्ड हो जाते ही है। फिर है सिडबी का हेडक्वार्टर, सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में है।
और इसके CMD हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। और अभी हमने इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स में क्वेश्चन भी पढ़ा था, इसने अभी स्वावलंबन एक्सप्रेस ट्रेन भी शुरू की है। SIDBI मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एडाई के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुभाष सी खुंटिया। और एडाई मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। नागार्जुन सागर बांध ये किस नदी पे है, तो ये कृष्णा नदी पे है। और ये स्थित कहाँ पर है, ये तो देखो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर स्थित है ये नागार्जुन सागर बांध। बढ़ते हैं आगे, तो इम्पोर्टेंट डेज की बात करेंगे। पहला प्रश्न है भारतीय तट रक्षक दिवस हमने कब मनाया था, तो आंसर होगा 1 फरवरी को, इंडियन कोस्ट गार्ड। अच्छा डायरेक्टर जनरल कौन है इसके, तो आंसर होगा के नटराजन, कृष्ण स्वामी नटराजन। फिर है विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे, हमने 2 फरवरी को मनाया। और अभी 10 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स का दर्जा भी मिला था, ये करंट का क्वेश्चन याद रखना। फिर है वर्ल्ड कैंसर डे, 4 फरवरी को मनाया था, और इस बार की थीम क्या रही, आई एम एंड आई विल। देखो एक कैंसर से रिलेटेड एक तो इम्पॉर्टेंट डे आप और याद रखो, एक राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस होता है जो हम मनाते हैं 7 नवंबर को, और एक फरवरी में ही होता है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे जो कि 15 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसको साथ में लिंक करके याद रखो तो चीज़ें आसान रहेंगी। फिर है राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस नेशनल डीवॉर्मिंग डे, 10 फरवरी को मनाया। और 10 फरवरी को ही विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्सेस डे भी मनाया जाता है। फिर है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ये हमने मनाया था 11 फरवरी को, और थीम क्या रही थी इसकी, इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। और 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस भी मनाया था। फिर है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया गया। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को मनाया, जिसकी थीम थी रेडियो एंड डाइवर्सिटी। फिर है राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि नेशनल वुमेन डे, 13 फरवरी को मनाया था, सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन को मनाते हैं अपन। और एक इंटरनेशनल वुमेन डे वो भी इम्पॉर्टेंट है, अभी 8 मार्च को ही मनाया था अपन ने। फिर अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस यानी कि इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, मैंने ऊपर ही बताया था आपको अभी इसी के बारे में, 15 फरवरी को मनाते हैं। और थीम क्या रही इसकी, नो चाइल्ड शुड डाई ऑफ कैंसर, क्योर फॉर मोर एंड केयर फॉर ऑल। फिर है विश्व पेंगोलिन दिवस, ये 15 फरवरी को मनाया गया। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिविजन वाला वीडियो। अगर वीडियोज आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसे अपने स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करा करें। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करना। तो अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, आप उन्हें सॉल्व करिएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं।